तुनिशा मौत मामले में मुख्य आरोपी श्रीजान खान से पुलिस घटना वाले दिन को लेकर इस वक्त लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन दावा यह है कि श्रीजान खान कुछ भी साफ साफ नहीं बता रहा, जिसकी पुष्टि पुलिस की तरफ से कोर्ट में पेश की गई रिमांड कॉपी करती है, जिसमें रिमांड बढ़वाने की असल वजह श्रीजान का जांच में सहयोग न करना बताया गया। पुलिस की तरफ से पेश की गई रिमांड कॉपी में दावा किया गया है कि श्रीजान खान सवालों के सही जवाब नहीं दे रहा। इसके साथ ही उसके मोबाइल से उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड के बारे में पता चला है, जिससे घटना वाले दिन श्रीजान ने 2 घंटे तक बात की थी। वहीं सामने आया कि 26 दिसंबर की रात करीब 2 बजे पुलिस श्रीजान खान को सीरियल के सेट पर लेकर गई थी, जिसमें एक पेपर बरामद हुआ है और जिस पर श्रीजान और तुनिशा का नाम लिखा है। वहीं इसके साथ पुलिस को 10 इंच लंबी कपड़े की पट्टी भी बरामद हुई है, जिसे काटकर बनाया गया था। पुलिस तफ्तीश कर रही है कि आखिर ये कपड़ा किसने और किस मकसद के लिए काटा था। यूक्रेन में मोर्चा संभालेगा, रूसी मिसाइलों और ड्रोन हमलों को रोक पाना उतना ही आसान हो जाएगा, लेकिन अब यूक्रेन के विदेश मंत्री ने दावा किया कि अमेरिका ने ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पेट्रियट की जल्द तैनाती के लिए नया प्लान बनाया है। उनके मुताबिक अमेरिका ने अपने देश में ही यूक्रेन के सैनिकों को पेट्रियट सिस्टम चलाने की ट्रेनिंग देने का फैसला किया है, जबकि इससे पहले उन्हें यह ट्रेनिंग जर्मनी या फिर यूरोप के किसी दूसरे देश में दी जानी थी, जिसमें काफी वक्त लगने वाला था, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि यूक्रेन का रूस के सामने टिक रहना पाना आसान नहीं होगा। लेकिन यूक्रेन को इस मुसीबत से भी निकालने के लिए अमेरिका एक बार फिर सामने आया। वो यूक्रेन के सैनिकों को अपने यहाँ बुलाने के लिए तैयार हो गया, ताकि पेट्रियट सिस्टम को बिना कोई नुकसान पहुंचाए यूक्रेन के सैनिक उसे चलाना सीख सकें। अमेरिका के इस फैसले के बाद यूक्रेन ने दावा किया कि अब वो 6 महीने से भी कम समय में पेट्रियट की तैनाती कर सकेगा। साथ ही यूक्रेन के विदेश मंत्री ने रूस के जंग खत्म करने की बात को एक बड़ा झूठ बता दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुतिन तो जंग खत्म करने की बात कर रहे हैं, जबकि उनकी सेना मिसाइलें बरसा रही है। यूक्रेन ने दावा किया कि आने वाले दिनों में रूस के हमले रुकेंगे नहीं, बल्कि और तेज होंगे। इधर सीमा विवाद पर महाराष्ट्र विधानसभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद कर्नाटक सरकार भड़क गई। उस प्रस्ताव में बेलगावी समेत विवादित इलाके के 865 गांवों को महाराष्ट्र में मिलाने का जिक्र किया गया था, जिस पर कर्नाटक सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने इसे महाराष्ट्र सरकार का एक गैर जिम्मेदाराना कदम करार दिया। उन्होंने महाराष्ट्र के प्रस्ताव को संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। बोम्मई ने दावा किया कि कर्नाटक 1 इंच जमीन भी महाराष्ट्र को लेने नहीं देगा। उधर पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत उसके हाथों से निकलता दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्रांत अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर बसा है, जो TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे कई आतंकी संगठनों का गढ़ है, जो आए दिन वहां के अलग अलग इलाकों में हमले कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इन दिनों चुनाव की वजह से अपनी सीमाओं की सुरक्षा को अनदेखा कर रहा है। इसका फायदा उठाते हुए आतंकी संगठन TTP लगातार खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद पाकिस्तानी सुरक्षा बल के जवानों पर हमले कर रहा है। इस इलाके में TTP के अलावा गुल बहादुर समूह और इस्लामिक स्टेट खुरासान जैसे आतंकी संगठन भी एक्टिव हैं, और पिछले साल इन आतंकी संगठनों ने वहां 165 से ज्यादा हमले किए थे, और इन हमलों में 115 हमले अकेले TTP ने अंजाम दिए थे। मतलब ये कि आतंकियों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान अपनी ही लगाई आग में झुलस रहा है। पिछले महीने 28 नवंबर को TTP ने पाकिस्तानी सेना के साथ सीज फायर खत्म कर दिया था।